तो मैं हूं लव ठक्कर मोबाइल रोबोटिक्स महसाना से और मैं आपका स्वागत करता हूं। ये टेनिस बॉल कलेक्टर प्रोजेक्ट है जिसका मैं आज आपको डेमो देने वाला हूं। ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य एक ही है कि टेनिस बॉल जो कि इस तरह फ्लोर पे पड़ा हो और उसको इजीली बिना हाथ से उठाने के बदले किसी मैकेनिज्म से हम उठा ले, तो हमने एक ये टेनिस बॉल कनेक्शन मैकेनिज्म बना दी है और जिसमें एक ड्रम व्हील को एक BLDC मोटर से हम ड्राइव करते हैं और उसको एक गाइड वे के थ्रू हमारे कलेक्शन बॉक्स में ले लेते हैं। और इस प्रोजेक्ट में इसके साथ ही हमने एक क्लीनिंग मैकेनिज्म भी लगा दी है। ये क्लीनिंग मैकेनिज्म यहाँ कलेक्शन बॉक्स के नीचे है और इस क्लीनिंग मैकेनिज्म को ड्राइव करने के लिए एक छोटी सी DC गियर मोटर का इस्तेमाल किया है और साथ में दो बेवल गियर से एक बेरिंग के थ्रू एक शाफ्टिंग के थ्रू मोप को हमने कनेक्ट करके रखा है। मोप अभी इस बेस के नीचे है, सो इसको जरा मैं उठा लूँ तो आप आराम से देख पाएंगे। और हमने कैस्टर व्हील्स का यूज़ किया है, ये काफ़ी स्टडी है तो कोई परेशानी नहीं है इसमें, ऐसी आवाज़ें आएगी तो भी कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमने मेटल फ्रेम का इसमें इस्तेमाल किया है और साथ में ये प्लाई का बेस रखा हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट में पावर सप्लाई को हमने बैटरी से दे के रखा है, दो बैटरियाँ 12 वोल्ट 12 एम्पियर आवर वाली सीरीज में लगा के हमने 24 वोल्ट हमने इसका जनरेट किया हुआ है और इसको हम एक रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लाल स्विच जो रखी हुई है तो ये रेड कलर स्विच ऑन ऑफ के लिए है जो आगे हमारे कलेक्शन मैकेनिज्म को ऑन ऑफ करेगा, और ये जो ब्लैक स्विच है ये हमारी क्लीनिंग मैकेनिज्म के लिए है। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको इसका पूरा डेमो दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी एक टेनिस बॉल नीचे पड़ा है जिसे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। स्पीड हाई टॉर्क डीसी मोटर का इस्तेमाल किया है और ये इसी तरह बहुत ही जल्दी से टेनिस कोर्ट में पड़े हुए प्रैक्टिस में यूज में लिए हुए सारे बॉल्स को फटाफट कलेक्ट कर सकता है। और क्योंकि प्लेयर को झुक के उसको कलेक्ट नहीं करना पड़ता है तो प्लेयर का टाइम भी बच जाता है और वो अपनी ज़्यादा एनर्जी गेम में लगा सकता है। और इसी तरह हमने ये क्लीनिंग मैकेनिज्म भी बना के रखी है। ये क्लीनिंग मैकेनिज्म आप देख सकते हैं क्लीन करने के लिए काम में आएगी, इसमें फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों तरफ से मैं घुमा सकता हूँ और फ्लोर को क्लीन कर सकता हूँ। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा ये हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से हमें आपका प्रेम मिलता रहेगा तो हम और भी वीडियोस और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।